नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टिका टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, सेफ्टिका टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और सेफ्टिका टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि सेफ्टिका टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सेफ्टिका एक ब्रांड नेम है। सेफ्टिका टैबलेट के अंदर सॉल्ट कम्पोजिशन सेफुरोक्सिन होता है। सेफ्टिका टैबलेट 250 mg व 500 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। सेफ्टिका टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। सेफ्टिका टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेफ्टिका टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में सेफ्टिका टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, मुंह का स्वाद खराब होना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट में दर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स सेफ्टिका टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टिका टैबलेट की वजह से महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज होना और वजाइना में खुजली होना आदि साइड इफेक्ट्स भी सेफ्टिका टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टिका टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। सेफ्टिका टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 13 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर सेफ्टिका 250 mg टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन इन्फेक्शन की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर सेफ्टिका 500 mg टैबलेट को भी दिन में 2 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। सेफ्टिका टैबलेट को डॉक्टर 5 दिन से लेकर 10 दिन तक लगातार लेने की सलाह दे सकते हैं। सेफ्टिका टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको सेफ्टिका टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेफ्टिका टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सेफ्टिका टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक सेफ्टिका टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और सेफ्टिका टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए सेफ्टिका टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दी है। सेफ्टिका टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में सेफ्टिका टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि सेफ्टिका टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है
या नहीं। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफ्टिका टैबलेट को न लेने की ही सलाह देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेफ्टिका टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका सेफ्टिका टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।